बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा की महिला मजदूरों ने मजदूरी नहीं मिलने से परेशान होकर एसडीएम ऑफिस का घेराव कर दिया है। एसडीएम ऑफिस का घेराव करने पहुंचे महिलाओं ने कहा कि पेट भरने के लिए गांव में मजदूरी की थी, लेकिन न तो उन्हें पैसा मिला और न ही उनका पेट भर सका है। उन्होंने कहा कि बच्चे रात में भूखे सो जाते हैं। मजदूरों ने इसे पहले ही लगभग 3 माह पूर्व भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मजदूरी भुगतान करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अधिकारियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं रहा। गांव के सरपंच ने बताया कि मजदूरों को भुगतान कराने के लिए वो मजदूरों के साथ लगातार कभी एसडीएम तो कभी ठेकेदार का चक्कर काटती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऑफिस में केवल आश्वासन मिलता है और दूसरी तरफ ठेकेदार काम पूरा होने के कारण भागने की फिराक में है। महिलाओं ने कहा कि अगर जल्द ही उनका मजदूरी भुगतान नहीं होता है तो वो विद्युत प्लांट को बंद कराकर मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। ये चटकपुर का जो है जो पावर प्लांट का है उसमें काम किए हैं मजदूर, इनके भुगतान नहीं मिलने कारण ये शिकायत लेकर आए हैं एसडीएम कार्यालय में। अभी एसडीएम सर छुट्टी पर हैं और इसे आवेदन ज्ञापन सौंपे हैं, इसका कार्रवाई के लिए मैं वरिष्ठ अधिकारी की ओर प्रेषित करूंगा। मैं चाहूंगा कि भुगतान इनका सीधे भुगतान मिले। काम करे ही चटकपुर कर प्लांट खुली से थी, हाँ तो पैसा वैसा मिलते नहीं है, अपने भाई के दिन तो खोजहारी तो कर थी। कितना दिन काम कर रहा, काहे पर पैसा नहीं मिला, का बोले लोग भागे दही सो लोगे नहीं है तो यहाँ का कही विद्युत प्लांट को ही काम हुआ था, लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा है, भुगतान नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बार बार हम लोग आ रहे। 3 महीने पहले भी आए थे, उसका भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ जी। हाँ बस आश्वासन देते हैं, बोलते हैं। तो मजदूरों का भी क्या हाल है, पैसा नहीं मिल रहा है, लोग को तो खाने पीने के पास नहीं है। ये लोग मजदूरी करके भी ये लोग पेट नहीं अपना भर पा।